दोस्तों नमस्कार, hindicoin.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के जीवन परिचय के बारे में। नवीन जी के जीवन परिचय के अंतर्गत हम लोग उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। वे परंपरा और समकालीनता के कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में इनका स्थान अविस्मरणीय है। वे जीवन भर पत्रकारिता और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे हैं। नवीन जी द्विविधी युग के कवि हैं। इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर प्रमुखता से आया हुआ है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर गांव में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री जमुनाथ दास शर्मा वैष्णो धर्म में दीक्षित थे। वे उदयपुर के प्रसिद्ध तीर्थस्थान श्रीनाथ द्वार में सपरिवार रहते थे। जब माने या देखा कि वहां रहते हुए इनकी शिक्षा में बाधा पड़ रही है, तब वह इन्हें लेकर मध्य प्रदेश के साजापुर स्थान में आ गई। इन्होंने मिडिल की परीक्षा यहीं से पास की। फिर वे उज्जैन चले गए और वहां सन 1917 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद ये कानपुर चले गए और यहीं पर वे रहकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहने लगे। इन्होंने विद्यार्थी जी ने इन्हें कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी तथा प्रताप और प्रभा पत्रिकाओं के संपादन में विद्यार्थी जी की सहायता करने लगे। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण ही ब्रिटिश सरकार के कोभाजन बने और अनेक बार जेल भी गए। इनके जेल के साथियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, देवदास गांधी, महादेव देसाई आदि थे। देश की आजादी के बाद ये पहली लोकसभा और फिर राज्यसभा के मेंबर रहे। ये राष्ट्रवादी कवि हैं। इनका जीवन अपनी मातृभूमि को सदा ही समर्पित रहा है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। ये बहुत ही अच्छे वक्ता थे। संगीत के प्रति भी इनका अगाध प्रेम था। इनका निधन 1960 ईस्वी में हुआ। तो अब हम लोग बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बात करें तो नवीन जी राष्ट्रीय वीर काव्य के प्रणेता थे। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन की कठोर अनुभूतियों एवं जागरण के प्रति स्वर व्यंजित हुए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के तूफानी दिनों में मस्तक ऊंचा करके सीना तान कर मुठिया बांध कर नवयुवक जिस ओज गुण प्रधान गीत को गाया करते थे, वह गीत व कविता नवीन जी रचा करते थे। आपने प्रभाव प्रताप के संपादन के साथ ही साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए प्रतिमान गढ़े हैं। यदि नवीन जी की भाषा शैली के बारे में बात करें तो ब्रजभाषा नवीन जी की मातृभाषा थी। इस कारण इन्होंने ब्रजभाषा को आधुनिक साहित्य में समृद्ध किया, किंतु इनकी कविता में ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। कुछ अकुशलता आई है जो कि खड़ी बोली में है, लेकिन इस अव्यवस्था का कारण यह है कि राजनीतिक व्यस्तता के कारण ये भाषा के संस्कार के प्रति विशेष ध्यान नहीं दे पाए। और इसका कारण यह भी हो सकता है कि ये हृदय के उद्गारों के व्यक्ति के लिए कविता लिखा करते थे और भाषिक सुधार के लिए नहीं लिखते थे। इन्होंने तुकांत मात्रिक छंदों में कविताएं लिखी हैं। अर्थ सौंदर्य, ना सौंदर्य और चित्र सौंदर्य के झंकार इनकी कविताओं में अद्वितीय रूप में मिलती हैं। इनकी शैली में ओज की प्रमुखता है। यदि हम नवीन जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो नवीन जी की रचनाओं में प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं: कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कुवासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, प्राणार्पण और हम विस्मयी जन्म के आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि कविताओं के रूप में हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि नवीन जी की जीवन परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली क्या है और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसका लाभ उठाकर
आप परीक्षा में अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी कुंज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।